आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोविड 19 के चलते कई महीने बंद रहने के बाद एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम अनलॉक डाउन 5 में अभी हाल ही में खुला है। यहां विभिन्न खेलों में शौकिया खिलाड़ी प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं। कोविड 19 के चलते कई महीने बंद रहने के बाद एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम अनलॉक डाउन 5 में अभी हाल ही में खुला है। यहां विभिन्न खेलों में शौकिया खिलाड़ी प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं। अनलॉक 5 की जो गाइडलाइन शासन द्वारा प्राप्त हुई थी, उसके अनुसार हम लोग को ये निर्देश मिले थे कि आप जिन खेलों में परमानेंट कोचेस हैं उनमें आप कोचिंग स्टार्ट करें। तो हमने कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए जिमनास्टिक और टेबल टेनिस में कोचिंग स्टार्ट हुई और अदर गेम बैडमिंटन पावर लिफ्टिंग और जिम में शौकिया खिलाड़ियों का 18 साल से ऊपर का हमने प्रवेश दिया। प्रशिक्षण में हमारे पास टोटल जिमनास्टिक टेबल टेनिस में अभी 22 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं और शौकिया खिलाड़ियों में हमारे पास इस वक्त सभी खेलों में मिला के 60 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है, जिम में, पावर लिफ्टिंग में, बैडमिंटन में, शौकिया में। आरएसओ सुनील चंद जोशी ने बताया कि खिलाड़ियों को कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ही स्टेडियम में प्रवेश दिया जाता है। कोविड 19 का पूरा जो दिशा निर्देश है, जैसी सरकार की गाइडलाइन है, उनका पालन करते हैं। हर हफ्ते हमारे सभी हॉल सैनिटाइज किए जाते हैं और गेट पे आने से पहले उनकी एंट्री पे उनको अगर नाम लिखा जाता है, उनका थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। आफ्टर दैट उनके हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं, तब उनको प्रवेश दिया जाता है। स्टेडियम में कोविड 19 सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। सी न्यूज से अजय बहादुर की रिपोर्ट।